welcome my dear students in this english class hope you all fine and doing study well at your homes dear students to start any topics or chapter i would like to ask you one questions that if we lose any favorite thing and that could not find for long time how do you feel do you feel any bad डू यू आस्क योर फैमिली मेम्बर्स और योर फ्रेंड्स और योर नेबर्स अबाउटिट अगर आपके कुछ फेवरेट चीज़ मिस हो जाते गुम हो जाते हैं तो आप हैप्पी रहते हो कि सैड सैड अच्छा उस चीज़ों के बारे में आप किसी से पूछते हो पूछते हो न कि आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं हो सकते हैं फ्रेंड्स भी हो सकते हैं या नेबर्स को हो सकते हैं गुड सो लाइक दैट वन स्टोरी टुडे वी विल स्टडी एंड दैट इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम टर्म वन बुक एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द मिसिंग बैट नेम से ही हमको पता चल रहे हैं कि एक बैट है जो मिस है बट ये बैट किनके हैं किस तरह के मिस हुआ है है ना कब हुआ है किन्होंने ले लिया है ये सारे सवालों के जवाब हाउ वी विल गिव यस वेन वी विल रीड द चैप्टर वाइल्ड रीडिंग और आफ्टर द रीडिंग वी विल कम टू नो दिस थिंग्स सो लेट्स स्टार्ट बट आपको ये स्टार्ट करने से Uh, elements as a rule whenever we get new word or hard word means that uh, word meaning you do not know that word what we will do we will mark out with our pencil and copy it in your notebook with the hindi meaning and learn it okay so let's start abdul rahman chacha owned बिग क्रिकेट बैट फैक्ट्री इन संगम नियर श्रीनगर राचा ही ओन्ड अ बैट फैक्ट्री ओके एंड कहाँ से ना संगम से नियर द श्रीनगर ये श्रीनगर के पास थे वन कुर्सी क्रिकेट बैट नीटली स्टार्ट इन ए रोज ऑल अराउंड हीज फैक्ट्री मीन्स वो अब्दुलरमन जो चाचा थे वो हमेशा कुर्सी देखते थे जो उनके फैक्ट फैक्ट्री में स्टकड स्टक्ट मीन्स सी दीनिंग ऑफ स्टक्ट ना पाइल वन ऑन टॉप ऑफ अनदार एक के ऊपर एक बैट जो फैक्ट्री है वो स्टक हुआ रहते हैं है ना नेक्स्ट बैट फैक्ट्री नीटली ओके okay? चाचा वाज एन ओल्ड मैन विथ हैंच बैक चाचा अब्दुलरहमान चाचा जो थे वो क्या थे ओल्ड मैन थे वृद्ध थे वो हैंच बैक हैंच बैक मीन समॉरवर्ड मीन कभी कभी हम आ, कुछ मीनस जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनको देखते हैं ना कि सामने फॉरवर्ड की तरह वो झुक जाते हैं और हेल्प ऑफ लक स्टिक है ना लकड़ी की हेल्प uh, से वो आगे मूव करते हैं है ना ओके सो ही वाज ऑलवेज फ्रो फ्रोइंग एंड ऑलवेज ऑन हिज फीट टैपिंग हिज वॉकिंग स्टिक एज ही वेंट ट्राइंग टू सी व्हाट इज वर्कर्स वेयर डूलिंग मीन्स ही वाज ऑलवेज गोइंग ऑलवेज गोइंग टू हिज फैक्ट्री दैट व्हाट इज हैपनिंग टू हिज वर्कर्स एक क्रिकेट फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स रहते थे तो ही वॉज मीन्स रहमान चाचा ऑलवेज वहाँ पे जाते थे और देखते थे कि जो मेरे लेबर्स से जो वर्कर्स है वो लोग क्या कर रहे थे अहमद फादर्स आमिर वॉज अ वर्कर ऑफ चाचाज फैक्ट्री अहमद नाम के और एक आ, एक बच्चा था जिनके पापा का नाम था आमिर और वो कहाँ काम करते थे ना चाचाज फैक्ट्री में क्रिकेट बैट फैक्ट्री में अहमद स्टेड विद हिम एट द फैक्ट्री एवरी डे आफ्टर स्कूल सो अहमद वेर ही वॉज स्टेइंग आफ्टर द स्कूल न चाचाज क्रिकेट बैट फैक्ट्री ओके ही वुड स्टेयर एट द ट स्टॉक्स Of cricket bats in way. And that he was, uh, uh, sorry, he wa would stare at the tall stalks of cricket bats in way. वो अहमद क्या है नीचे से ऊपर तक देख सकते थे है ना नेक्स्ट पेज बेटा ओके नेक्स्ट वन ही लाइक टू होल्ड एंड रन हीज फिंगर्स एक्रॉस द बैट्स आफ्टर हीज फादर हैड सेप्ट देम विथ हीज मैसिन हियर इज सेंग दैट अहमद लाइक क्या लाइक पसंद करते थे आहमिद जब उनके पापा बैट को सेप साइज में लाते थे तो वो अहमद क्या है उनको पसंद करते थे उसको होल्ड करते थे और उनके जो फिंगर्स है वो फिंगर्स को एकरोस मीट शाम ऊपर से लेके नीचे तक ऐसे घुमाते जैसे आप कभी कभी क्रिकेट खेलते हो तो बैट को कैसे पकड़ते हो है ना बैट को इस तरह के पकड़ने में उनको भी बहुत पसंद आते थे ग्रिपिंग वन वन बाई इट्स हैंडल ही वोइंग इट इन द एयर विथ अ फ्लिंक ऑफ हिज विस्ट डियर स्टूडेंट्स यू कैन सी दिस चाइल्ड ही वॉज हिज नेम इज अहमद एंड हाउ ही होल्ड द बैट उन्होंने बैट को कैसे पकड़ में रखा जैसे हवा में ऐसे उड़ा रहे थे ओके इप चाचा इप चाचा कॉट अहमद विथ अ बैट इन हिज हैंड्स

इट्स नॉट अ प्लेइंग थिंग ये खिलौना नहीं ये खिलने का चीज़ नहीं है इसको वापस रखो एंड उनके चाचा के जो आइज थे ये बहुत ही क्या थे वच आइज थे ओके तो अहमद जैसे ही चाचा बोलते थे अहमद उसको नीचे रख देते थे डिड द ओल्ड मैन नो दैट ही ड्रीम्ड ऑफ बिंग सचिन तेंडुलकर समे मीन्स चाचा को पता था क्या अहमद क्या थे बैट खेलते खेलते क्रिकेट खेलते खेलते कभी के, के, के क्रिकेट का गुरु हम किनको मानते हैं प्लीज से से क्रिकेट का गुरु है सचिन तेंदुलकर तो सभी बच्चों चाहते थे चाहते हैं कि मैं वो भी कभी क्या है सचिन तेंदुलकर जैसे बनेंगे तो चाचा भी उनको पता था क्या किया अहमद भी सचिन तेंदुलकर जैसे बनना चाहते थे ओके वो यही यहाँ पे बात आ रही है चाचा वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज स्टॉक स्टॉक मीन्स क्रिकेट बैट की स्टॉक जिनके उनके गोदामों के जो स्टॉक्स कितने बैट्स रहते थे नहीं रहते थे वो उनके बारे में बहुत पर्टिकुलर थे है ना फिर ही लाइक टू काउंट द नंबर्स ऑफ बैट्स इन हीज वेयर हाउस मीन्स उनके गोदाम की बात कर रहे हैं ओके okay? तो उनके वो बहुत पसंद करते थे उनके बैट्स को काउंट गिनने के लिए गिनने में ओके ही डिड दिस एवरी इवनिंग बिफोर द वर्कर्स लेफ्ट फॉर जैसे घर जाने से पहले वर्कर्स घर जाने से पहले वो, वो चाचा क्या करते थे ना वापस काउंट कर लेते थे कि मेरे गुदाम में अभी वेयर हाउस में कितने बैट्स है नेक्स्ट इज एंड एवरी मॉर्निंग और सॉरी सुबह में भी करते थे जैसे वर्कर पहले जाते थे और आने के पहले तो ये एक दिमाग में रह जाते कि मैं मैंने कितने बैट गिने थे और कितने अभी हैं एज ही लोडेड द बैट्स ऑन टू हिज ट्रैक उनके ट्रैक में लोड करने से पहले भी उन्होंने क्या करते थे काउंट कर लेते थे ही हैड इमेजिड हाउ ही वुड प्ले डिटेक्टिव इफ एनी ऑफ हिज बैट्स वेंट मिसिंग मीन्स अगर उस उन बैटों में से किसी भी बैट मिस हो गए तो वो डिटेक्टिव मीन्स एक जासूस की तरह देखते थे वो बैट मिसिंग नहीं होता कभी भी को, कोई भी बैट मिसिंग नहीं हो पाते थे एंड देन इट हैपन ये उनको इतनी मीन्स टाइम उन्होंने सुबह भी शाम भी काउंट करते थे ट्रैक में लोड होने के पहले भी उन्होंने वो बैट्स को काउंट कर लेते फिर भी एक दिन घटा क्या घटा One morning, when Chacha opened the warehouse to take the stock out and load it into his truck, he found that there was one bat missing. He was furious. Okay, then because he had admired the bat just the previous evening. यहाँ पे दिस चैप्टर इज सेइंग ये जो घटना घटी एक दिन वो घटना क्या है एक मॉर्निंग को चाचा जब उनके वेयर हाउस को ओपन किया और ही वॉज स्टार्टेड लॉडिंग द ट्रक ही दैट देयर वॉज अ बैट मिसिंग कौन सी वाला बैट मिसिंग है जो उनको ठीक पहले दिन जिस दिन उन्होंने देखा उनके पहले दिन उस बैट के बारे में उन्होंने बहुत एडमायर किए थे प्रशंसा किए थे कि ये बॉट बहुत ही सुंदर है बहुत ही बिगेस्ट इट वाज द बिगेस्ट एंड द लाइस्ट टेस्ट वन ऑफ ऑल सभी जितने भी सारे बैट्स थे सभी से ये क्या थे बहुत ही बड़े थे और लाइट टेस्ट भी थे दैट आफ्टरनून चाचा गैदर्ड वर्कर्स एंड मेड दैम स्टैंड इन ए रो फिर उसी आफ्टरनून को दोपहर के टाइम चाचा ने जितने भी सारे वर्कर्स थे उनको गैदर्ट किया इकट्ठा किया और उनको स्टैंड करवाया एक रो में एक लाइन में वन बैट इज मिसिंग वेर डू यू थिंक इट कूड हैव गॉन और चाचा वाज स्कॉल्डिंग दैट वन बैट जो है वो मिस है नाव यू टेल मी वेयर कूड इट हैव गॉन ये कहाँ पर जा सकता है डियर स्टूडेंट्स आफ्टर दैट वाट हैपन ओके वर्कर्स को इकट्ठे करने के लिए बाद ये बैट मिस होने के लिए हो, हो के बाद दैट मेन्स रेस्ट ऑफ द पर्सन वी विल स्टडी In our next class, so you now you can read this chapter and try to understand in. And if you have any question regarding this chapter or regarding understanding, understanding, so please you can call me personally. Otherwise, you comment on my video. Okay. So thank you very much. Have a good day.